इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी न किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 3 नवंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान की जिज्ञासाओं ने उसे नित नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। अपनी जरूरतों की चीजें ईजाद करने के बाद इंसान ने आसमान को छूने के लिए हवाई जहाज का आविष्कार किया। इसके बाद अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने के प्रयास में अंतरिक्ष यान बना डाला। लेकिन इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का जोखिम उठाने से पहले एक कुत्ते को वहां भेजने का फैसला किया गया। तत्कालीन सोवियत संघ ने 3 नवंबर 1957 में लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था, जो नीले आसमान पे पार गया पहला जीवित प्राणी था। इस प्रयोग को सफल होने के बाद इंसान के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता बना। देश दुनिया के इतिहास में 3 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। आज ही के दिन 1655 में इंग्लैंड और फ्रांस ने सैन्य और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आमेर के वीर और कुटिंटक राजा स्वाइन जयसिंह का जन्म आज ही के दिन 1688 में हुआ था। मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाले हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास महापुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म आज ही के दिन 1906 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाले अत्रपुर महाराणा का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए अमृता सेन का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। उन्होंने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक चयन की थ्योरी देकर समाज के निर्धनतम सदस्यों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पल्लई का निधन आज ही के दिन 1936 में हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का निधन आज ही के दिन 1947 में हुआ था। आज ही के दिन 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। 1957 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान पर पहुंचा वह पहला जीवित प्राणी था। भारतीय निशानेबाज मानवजीत सिंह सिंधु का जन्म आज ही के दिन 1976 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में G15 समूह का 7वां शिखर सम्मेलन कोल्हापुर में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई थी। आज ही के दिन 2001 में अमेरिका ने लश्कर और जीए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया था। 2003 में आज ही के दिन पाकिस्तान और चीन के बीच बीजिंग में 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रमुख बेनजीर भुट्टो को उनके घर में नजरबंद किया गया था। आज ही के दिन 2008 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दरों में 0.5% की कमी की थी। 2011 में आज ही के दिन फ्रांस के कैंस में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था, जिसमें यूरोजोन ऋण संकट पर चर्चा की गई थी। आज ही के दिन 2014 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए जाने के 13 साल बाद उसी जगह पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोला गया था। आज के इतिहास में इतना ही। कल का इतिहास लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।